90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चौड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चौड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताइद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहाँ पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इसराइल की तरफ से हो रहा है 90 साल से। यस एंड इट्स अ डेलिबरेट फेलियर, इट्स अ डेलिबरेट फेलियर बिकॉज इट इज दे हु आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑस्लो अकॉर्ड। आप 90 साल से तो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को, 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको, एंजॉय किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनकी जान ले ली, उसका क्या बोलेंगे? एक और बहुत बड़ा इश्यू है सर, ग्लोबल इश्यू है पैलेस्टाइन और जो इसराइल के बीच में हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसको चुनाव से आप मुद्दा बना रहे हैं उसको लगता है मुझे, नहीं आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं। तो वाकई में मुद्दा है? नहीं, अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताजा करने के लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताइद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप, और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो अकॉर्ड के खिलाफ, जेनिन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है, ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इसराइल ने वहां पर उसको, 16 ईयर से ब्लॉकेट है, ओपन एयर प्रिजन है वो, क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल बला में, आपने पेरीमीटर लगा दिया, 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इसराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इसराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इसराइली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोराडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। हजारों बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वायलेंस। अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इसराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इसराइली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से ये लोग है भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में?
वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है, मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर, 1000 लोग मारे गए इसराइल और आप कंडम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए, बल्कि इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है, उसमें 200 तक, मतलब करीबन करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं, बल्कि बोल रहे हैं। मगर सर, ये क्लियरली वॉर बोल के बोल रहे हैं, तो इस पर आपको व्हाट यू लाइक टू स्टेट, बिकॉज कॉलिंग इट एज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये 90 साल में कितने फलस्तीनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना, सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो, हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इसराइल की तरफ से हो रहा है 90 साल से। 90 साल से कैंप डेविड कितने मरता हुआ बताइए, वायलेंस के मानती नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो 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 उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में क्यों नहीं कर रहे आप? विड्रॉ कर लेना सर, तो क्या क्या आप क्या विड्रॉ करें, आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करें, कुछ विड्रॉ नहीं करें, झूठ। ग्लोबल पावर यस, एंड इट्स अ डेलिबरेट फेलियर, इट्स अ डेलिबरेट फेलियर, बिकॉज इट इज दे हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑस्लो अकॉर्ड, and they had given a commitment that within 5 years a new independent Palestinian country will come into existence. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head. Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? Don't try to put words in my mouth. I have stated what I have to say. आप बोल रहे इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा कि छोड़ के चल जाओ, कहाँ जाएंगे? आप तो ओपन एयर जेल बना के रख दिए, 16 साल से ब्लॉकेट करके रख दिए गाजा को पूरा, आप किधर जाएंगे? ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, मारे भी गए, इंजर्ड भी हुए। 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट? आप 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें, अब कौन है टेररिस्ट में बताओ आप? आपका जो गाजा में है, आप गाजा के बाहर फैमिली विजिट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, नौकरी नहीं मिलती, आप पानी में मच्छी नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते गाजा के बाहर, आप निकल नहीं सकते। अगर आप सिविलियन को मारेंगे और तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस के हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या? क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? अब बताइए, इन चीजों को देखिए। सर, 1000 टन बॉम्ब अभी तक गिराया गया है और 2000 म्यूनिशंस भी वहां पे गिराए गए हैं, और इसराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डिफेंड करेंगे। हाँ नहीं, आप 90 साल से तो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को, 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको या इंजर्ड किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनको उनकी जान ले ली, उसका क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे उसको सर? वायलेंस को हम कंडेम कर रहे हैं, ट्रैकर नहीं चलाना, समझे ना?
ओएसी के नाम से, मगर हकीकत यह है सर. व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? एंड आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी के, मतलब अटल जी के वीडियो वायरल हो रहा है और पुराने अपना इंडिया का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अभी जो है वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? इंडिया शुड स्टैंड विद द ऑप्रेस्ड हु हैव बीन ऑप्रेस्ड फ्रॉम, एंड दिस इज आवर पॉलिसी ऑल्सो. 80-90 साल से उन लोगों को आप अप्रेस कर रहे हैं. देखिए, ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? और ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इसराइल की है, जिम्मेदारी इसराइल के कोर्ट में आती है.